महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए तमाम तरह के कानून बनाए गए हैं। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन क्या हो जब कोई महिला इसी आजादी का गलत फायदा उठा ले। कहते हैं कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन यहाँ तो कहानी बिल्कुल अलग है। मामला अलीगढ़ जिले के अतरौली थाने का है। जी हाँ, कहानी एक दंपत्ति की है जो अपने शादीशुदा जीवन में खुशहाल थे, लेकिन अचानक रिश्तों ने करवट बदली और दुख के काले बादल छा गए। खुशहाल परिवार दुख के जाल में फंस गया और देखते ही देखते बात डायवोर्स तक आ पहुंची। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया। मामला कोर्ट में जा पहुंचा, लेकिन इस बीच पिस कर रह गई एक मासूम जिसने हाल ही में इस दुनिया में कदम रखा। पत्नी को बच्ची की कस्टडी मिली, जैसा कि ज्यादातर केसेस में होता भी है। असल में महिला ने बच्ची की फर्जी जन्मतिथि के बेस पर पति के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सबूतों की माने तो मासूम का जन्म हुआ था 3/1/2022 को, जबकि पत्नी गुलिस्ता ने फर्जी जन्मतिथि 2/1/2022 बनवा दी। इतना ही नहीं, महिला ने बेटी का नाम भी मिरहा यासीन से बदलकर आरिशा कोर्ट में पेश कर दिया। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब बेटी के पिता यासीन गाजी को ये पता चला कि उसकी बेटी को जन्मतिथि बदलकर मां गुलिस्ता उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रही है, तभी यासीन गाजी ने अतरौली थाने में पुलिस की शरण ली और पूरा मामला पुलिस को बताया। तभी योगी की पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए और निदा के खिलाफ संगीन धारा 420, 467, 468, 471 में FIR दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। 7 महीने का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक न चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर पाई है और न ही कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद भी महिला गुलिस्ता या निदा को गिरफ्तार कर पाई है। सवाल ये है कि जिस तरह पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए FIR दर्ज की थी, तो उसी तरह तेजी दिखाते हुए 7 माह में गिरफ्तारी या चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की गई? अब सिर्फ देखना यह है कि HBN न्यूज की खबर को संज्ञान में लेने के बाद अतरौली थाने की पुलिस कोई कार्यवाही करेगी या आरोपियों के प्रति सहानुभूति दिखाती रहेगी। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद यासीन गाजी, सन ऑफ इस्लाम गाजी, सरावली अतरौली का रहने वाला हूँ मैं। ये हमारे जो दूसरी पार्टी वाले हैं, हमारे उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र तो बनवा लिया मेडिकल से, JNMC मेडिकल से फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया है, तो वो उन्होंने कोर्ट में यूज़ किया है। उसकी भाभी है गायनी में 70 नंबर OPD के पीछे, उन्होंने मिलकर वहीं पे जॉब करते हैं। ये वहीं पर निदा, वाइफ ऑफ अरमान, 70 नंबर OPD के पीछे वहाँ जॉब करती हैं संविदा पर। तो उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बन के हमारी बीवी ने और निदा ने, हमारी बीवी का नाम है गुलिस्ता, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया था। उन्होंने वो कोर्ट में यूज किया है। हमारा ओरिजिनल है, सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज हमारे लगाए गए, ओरिजिनल हमारा ओरिजिनल है। उन्होंने फर्जी बनवाया है, अब उन्होंने किस तरीके से बनवाया ये हमें नहीं पता। ये तो जांच का विषय है, पता चल जाएगा। तो उसको जो फर्जी बनवाया गया, जो आप दावा कर रहे हैं, जो फर्जी बनवाया गया है उसको कोर्ट में भी लगा दिया गया है, कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है। जी, कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है। हमने इसकी FIR भी कराई, अपने अतरौली थाना में भी इसकी एप्लीकेशन दी जी। तो जज साहब ने इनके मुकदमे लगाए 420, 468, 469, 471, उसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई हमारी। उल्टा हम पर ही दबाव बनाया जा रहा है, हमें ही धमकाया जा रहा है और हमें ही बहुत परेशान, टॉर्चर किया जा रहा है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।